आज हम बनाएंगे बथुए का रायता। तो बथुआ मैंने अच्छे से धो लिया है और उसको बॉईल कर लिया है। रायता बनाने के लिए बथुए को बॉईल करना पड़ता है। इसकी मैं सीटी निकाल रही हूँ, इसको फिर मैं प्लेट में ठंडा करूँगी। बथुए को एकदम प्रॉपर अच्छे से धोना होता है क्योंकि इसमें बहुत मिट्टी होती है। ये मैंने बथुए में लहसुन हरी मिर्च डाला है और बथुए को ठंडा कर लिया है। अब मैं इसको मिक्सी के बड़े वाले ग्राइंडर में एकदम बारीक पीस लूँगी ताकि इसमें कोई इसका बड़ा वाला पत्ता या फिर ऐसे डंठल टाइप मुँह में ना आए खाते हुए, एकदम स्मूथ लगना चाहिए। इसको अच्छे से पीस लेना है और पीसने के बाद बड़ा ही सुंदर लगता है ये। बथुए का रायता एकदम आयरन रिच होता है। अब मैं इसमें बथुए में दही डालूँगी। दही के बाद फिर मैं इसमें जो पीसा हुआ बथुआ है वो डालूँगी और इन दोनों को अच्छे से फेंट लूँगी। इसी में मैं मसाला ऐड करूँगी, नमक और लाल मिर्च। लाल मिर्च अपने हिसाब से, नमक भी अपने हिसाब से, हम लोग बहुत तीखा खाते हैं। फिर मैं इसमें जीरे का छौंक दूँगी। जीरे का छौंक आप किसी से भी दे सकते हो, रिफाइनरी ऑयल या फिर सरसों के तेल से। हम यूजुअली सरसों का तेल ही यूज़ करते हैं तो मैं सरसों के तेल से ही जीरे का छौंक दूँगी। सो गाइस देखना ये छौंकने के बाद कितना सुंदर लगता है। और इसको ठंडियों में ही खाना, गर्म बहुत होता है ये। हमारा बथुए का रायता तैयार है। टन टन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।